प्रदेश बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक रविवार को होने जा रही है। बैठक में आगामी संगठन की कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, किसान ऋण माफी, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया जाना, भाजपा सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने पर भी चर्चा की जाएगी। इस दौरान बैठक में राजस्थान की जनता का लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत, राजस्थान में 25 सीटें जीतने पर जनता का आभार भी जताया जाएगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी ने बताया कि यह साल संगठन साल है, जिसमें सदस्यता अभियान को लेकर विशेष रणनीति भी बनाई जाएगी। समिति ये हमारी बड़ी प्रदेश कार्य समिति है। स्वाभाविक है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी का जो प्रदर्शन रहा उसमें हमारे बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो मेहनत की है उसी का परिणाम है। समिति की बैठक लोकसभा चुनाव के बाद पहली हमारी बैठक है। इस बैठक में हमारे नवनिर्वाचित सांसदों का सम्मान किया जाएगा और इस प्रदेश कार्य समिति में हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, हमारे प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, जिला अध्यक्ष, लोकसभा के हमारे प्रभारी, लोकसभा के हमारे संयोजक, सहसंयोजक, जिलों के जिला